अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑन चैनल लर्निंग हब विद एसआर एंड आई एम सहर कमल। फ्रेंड्स, लास्ट हम 10 सीरीज कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने सोचा था आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को स्टार्ट करते हैं, बट वो अगेन ग्रामेटिकल वर्क हो जाता जो कि थोड़ा सा रिजिड और टफ सा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डिफरेंट वन, जैसे कि उतरना उतारना। ये उर्दू में अगर हम देखें तो एक इसका मीनिंग आता है कि किसी ऊंचाई से उतारना या उतरना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन उर्दू में सिर्फ इसका यही मीनिंग नहीं है, इसके और भी बहुत से मीनिंग्स हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कुकियंस में डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, बट यही वाले सेम वर्ड्स बोलने से ना तो उनकी प्रोनंसिएशन में कोई चेंजिंग आएगी, ना ही इनके जेर जबर या कोई नुक्ते में आएगी चेंजिंग, जैसा कि इंग्लिश में होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनंसिएशन में चेंज आ जाता है। समटाइम ये होता है कि स्पेलिंग्स में चेंज है बट प्रोनंसिएशन सेम है, तो वो इंग्लिश का इशू है। इंग्लिश को आई थिंक सो सीखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उर्दू। उर्दू में तो एक ही वर्ड के इतने ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं कि जिनको यही जहन में रखना मुश्किल हो जाता है कि ये उस जगह इस्तेमाल हुआ था तो यहाँ पर भी यही वर्ड आ गया, बट यहाँ उसका मीनिंग और होगा। तो जितने भी उर्दू, हिंदी और पंजाबी स्पीकिंग हैं उनके लिए तो ये ईजी ही होगा कि वर्ड को अगर किसी और जुमले में या किसी और रुकैन पे हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सेंस चेंज हो जाती है। मसला उनके लिए है जो बिल्कुल न्यू लर्नर होते हैं उर्दू के। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंग्लिश में इन्हीं वर्ड्स के डिफरेंट रुकैन पर जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जबकि उर्दू में सेम यही उतरना या उतारना ही मीनिंग रहता है, लेकिन इंग्लिश में उतरना या उतारना डिफरेंट रुकैन में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके इंग्लिश अलग से इस्तेमाल होगी, उनके इंग्लिश वर्ड्स अलग से इस्तेमाल होंगे। अब जैसा कि हम कहते हैं दरख्त से उतरना, सीढ़ियों से उतरना, आसमान से उतरना या उतारना, इसके तो एक ही मीनिंग हम लेते हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं वो तो मेरे दिल से उतर गया है, या हम कहते हैं कि फलां को देखकर उसका रंग उतर गया या उसने कर्जा उतार दिया, तो यहां पर देखिए थोड़ा डिफरेंट है ना, मीनिंग डिफरेंट है, वर्ड्स यही है उतरना या उतारना, लेकिन सेंस चेंज हो जाती है उकैन के हिसाब से। तो मैं इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाना चाहूंगी कि मीनिंग हम समटाइम कहते हैं कि हमें सिर्फ उर्दू का जो सेम मीनिंग है वही याद कर लें, और हम कहते हैं जहां भी ये वर्ड आएगा उर्दू का वहां पर हम उसकी सेम वही वाली इंग्लिश एडजस्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक स्कूल लेवल तक, जूनियर लेवल तक समझ लें, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल तक, वहां पर ये सिचुएशन रहती है कि आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश या उर्दू को ट्रांसलेट कर लें। लेकिन जैसे ही आप हाई लेवल पे आते हैं वहां पर आपने जो उर्दू का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में जब करना है तो ये नहीं कि उर्दू का जो एक मिनट आपने याद किया है तो वही वाला उस सेंटेंस में एडजस्ट होगा, नहीं, आपको उस टाइम उस उकैन उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा और उसके हिसाब से आपको इंग्लिश का वो वाला वर्ड इस्तेमाल करना होगा जो कि इस तरह के लफ्जों के मुताबिक उस जुमले में इस्तेमाल करना बनते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जिससे मजीद क्लियर हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर जिसमें लफ्ज उतरना या उतारना इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में तो ये सेम ही है, लेकिन देखिए इंग्लिश में इसके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो चेंज हैं। इंग्लिश में ये चेंज ही होगा, इंग्लिश में सेम ऐसा ही नहीं रहेगा कि जो उतरने का एक मीनिंग हमने ले लिया है सबके साथ वही इस्तेमाल होगा। कुछ लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर तो उतरने के मीनिंग तो ये होते हैं लेकिन आपने ये क्या इस्तेमाल कर दिए हैं। सो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप इसको देखते हुए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरह से इंग्लिश में हमने सिचुएशन को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिचुएशन
हमने किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह से हमने वर्ड्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना होता है। और सेल्फ राइटिंग में यही चीज होती है कि हमने वर्ड टू वर्ड उर्दू से इंग्लिश में नहीं करना होता, बल्कि उर्दू से इंग्लिश में जब करते हैं तो उसकी सेंस समझकर उसकी ट्रांसलेशन की जाती है, जो कि मेजर इशू है। स्टूडेंट्स सेल्फ राइटिंग कर ही नहीं सकते, उन्हें यही लगता है कि हमने सेम टू सेम ही करना है, ये वर्ड है तो इस वर्ड का ही हमें अगर इंग्लिश आती होगी तो ठीक है, वरना वो कुछ और लिख ही नहीं पाते। जबकि अगर वो सेंस को समझ लें तो उनके लिए ट्रांसलेट करना इंग्लिश में कोई मुश्किल ना हो। तो हर यहाँ पर देखिए, मैंने कर्जा उतार दिया है, यहाँ पर उतारना ऊपर से नीचे आना नहीं है, यहाँ पर अदा करना है। तो यहाँ पे अगर कर्जा उतारना है तो इसमें होगा क्लियर, क्लियर द डेट। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, गुड़िया का रंग उतर गया है, यहाँ पर रंग उतरना, तो रंग उतरने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होगा फेडेड अवे। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, इसे देखकर मेरा गुस्सा उतर गया, ऊपर जैसे है ना गुड़िया का रंग उतर गया है, एक तो होता है कि जैसे पुरानी हो गई तो रंग उतर गया, एक होता है कि कोई जैसे किसी को देखकर घबरा कर रंग उतर जाना, कोई लिविंग चीज भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी। यहाँ पर गुड़िया एक डॉल भी हो सकती है और किसी लड़की का नेम भी हो सकता है। तो अगर हम इसको किसी लिविंग, किसी लड़की का, किसी फीमेल का नेम समझते हुए इस्तेमाल करें तो यहाँ पर रंग उतर गया मतलब किसी चीज को देखकर घबराहट से रंग उतर गया, तो फेडेड अवे, पीला पड़ जाना, मुरझा जाना, इसकी सेंस ये बन रही है कि गुड़िया का रंग उतर गया है। और अगर हम दूसरे मीनिंग में देखें कि नॉन लिविंग या डॉल, तो भी क्या है, फेडेड अवे मीन्स पुरानी हो गई है या कोई ऐसी जगह पर रखी या धूप में रखने की वजह से या पानी पड़ने से फेडेड अवे वो रंग उतर गया है, मुरझा गई है, वो फ्रेशनेस नहीं रही। थर्ड है, इसे देखकर मेरा गुस्सा उतर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिन्हें देखकर आपको चाहे कितना ही पहले से गुस्सा क्यों ना हो, वो फौरन खत्म हो जाता है, अब एकदम काम डाउन हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुस्सा उतरना या उतरने का मीनिंग है, इंग्लिश है, वो होगा कम डाउन या फिर कूल डाउन। लेकिन यहाँ पे गुस्सा उतर गया, अब ये नहीं कि हम कहें कि गुस्सा था और वो नीचे उतर गया, नहीं, बिकेम कूल, कि मैं ठंडा पड़ गया या मैं ठंडा हो गया या उसे देखकर मैं नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे होगा बिकेम कूल। अभी मैं इनके सेंटेंसेस बनाकर आपको बताती हूँ, अभी सिर्फ मैं उतरना या उतारना का क्लियर कर रही हूँ मीनिंग्स के साथ। लड़कियां नाखून उतारना पसंद नहीं करती, नाखून उतारना अब यहाँ पर काटने के मीनिंग में आ रहा है, पूरे पूरे नाखून तो नहीं उतारने, यहाँ पर नाखून उतारना नाखून कट करने के मीनिंग में आ रहा है सेंस में। तो लड़कियां नाखून उतारना, नाखून उतारने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में होता है पेयरिंग, तो पेयरिंग इज यूज्ड फॉर नेल्स, नेल्स नाखून जब भी उतारने होंगे इसके लिए हम पेयरिंग का वर्ड यूज करेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे काम डाउन या हम ये नहीं कहेंगे कम डाउन, यहाँ पर सिंपल होगा पेयरिंग। फिफ्थ देखिए, आप मेरी नकल उतार रहे हैं, नकल उतारना, नकल उतारना, अब नकल उतारना, वर्ड तो उतारना ही इस्तेमाल हो रहा है जबकि सेंस इसकी चेंज है। इंग्लिश में क्या है, इमिटेटिंग, इमिटेटिंग नकल उतारना, जैसे कि होता है नकल करना, चीटिंग, ऐसे इमिटेटिंग नकल उतारना मींस के जैसे एक बंदा कर रहा है दूसरा भी सेम वैसे ही जेस्टर्स या पोस्टर लगा रहा है। अब इसको मैं सेंटेंस के हिसाब से समझाना चाहूंगी, मैंने कर्जा उतार दिया है, I have cleared my debt, गुड़िया का रंग उतर गया है, the doll has faded away, इसे देखकर मेरा गुस्सा उतर गया, I became cool that looking her, कि जैसे ही मैंने इसको देखा या उसको देखते ही मैं कूल डाउन हो गया। लड़कियां नाखून उतारना पसंद नहीं करती, the girls do not like pairing their nails, आप मेरी नकल उतार रही हैं, यू आर इमिटेटिंग मी, यू आर इमिटेटिंग मी।
I have cleared my debt. Second, the doll has faded away. इसे देखकर मेरा गुस्सा उतर गया. I became. Became आएगा क्योंकि ये past का है, इसलिए second form. I became cool. That looking hard. नाखून उतारना. The girls do not like paving their nails. लास्ट है, आप मेरी नकल उतार रहे हैं. You are imitating me. एक दफा ऊपर से देखें. I have cleared my debt. अब यहाँ पर जो B है debt में वो silent हो जाएगा. ये I have cleared my debt. The doll has faded away. I became cool. That looking her. The girls do not like paring their nails. You are imitating me. Next examples देखिए. कुछ और examples भी हैं. मेरी साइकिल की चेन उतर गई. चेन उतरना means went off. The chain of my cycle went off. अगर उतर गई है या उतरी है या उतरती है. Present में होता तो go off होता. अब यहाँ पर ये past में उतर गई. तो क्या the chain of my cycle went off. नेक्स्ट है इसकी पगड़ी उतर गई. पगड़ी उतरना his turban was off. उतर जाना. तो यहां पर सिंपल ऑफ आ जाएगा. थर्ड है कमीज के तमाम बटन उतर गए. ये भी पास्ट में ही है. ऑल बटन्स ऑफ द शर्ट हैव. यहां पर क्या आएगा उतर जाना. All button of the shirt has come off. राहिला ने नाखून पॉलिश जो नेल पॉलिश है उतार दी. नेल पॉलिश उतारना. तो नेल पॉलिश उतारने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा राहिला रिमूव. राहिला रिमूव यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी थर्ड फॉर्म क्योंकि ये भी एक पास्ट का सेंटेंस है. ब्राहे करम द्रप से नीचे उतर आओ. अब ये ऊपर से ऊपर कोई चीज है उसको नीचे बुलाया जा रहा है या उतरने का कहा जा रहा है. तो यहां पर आएगा प्लीज क्लाइम डाउन द ट्री. प्लीज Climb down the tree. Next है रेलगाड़ी पटरी से उतर गई. रेलगाड़ी पटरी से उतर गई. पटरी से उतरने का क्या होता है derailed. Derailed. रेल होता है पटरी के ऊपर ऊपर चलने वाली जो रेलगाड़ी जिसे हम कहते हैं. तो derailed means उसके opposite. हमने इसमें यहां पर फिक्स लगा दिया है और इससे क्या होगा कि डी रेल उसका ऑपोजिट बन गया है.
अकबर ने इसकी तस्वीर उतारी। तस्वीर उतारना या तस्वीर लेना या तस्वीर खींचना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर उतारने का जो सेंस दी जा रही है तो यहाँ पर होगी अकबर टुक हर फोटो। टेक फोटो होता है बट यहाँ पर क्योंकि पास्ट का इसलिए सेकंड फॉर्म लग रही है टुक हर फोटो। साइकिल की चेन उतरनी है तो वेंट ऑफ मतलब गो ऑफ इसकी फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में ये वेंट ऑफ हो गया है। पगड़ी अगर उतरी है तो ऑफ ही रहेगा। इस तरह से बटन का उतरना कम ऑफ, नेल पॉलिश का उतारना रिमूव, दरख्त से नीचे उतरना क्लाइम डाउन, पटरी से उतरना डीरेल्ड, तस्वीर उतारना टेक की सेकेंड फॉर्म टू। कुछ और एग्जांपल्स मैं बताना चाहूंगी। गाइस एग्जांपल्स तो और भी बहुत सी हैं लेकिन उनमें से भी जो मुझे ज्यादा सूटेबल लगी हैं वो मैं यहाँ पर लिख दी हैं। शाहिद अपनी बात पर पूरा उतरा, बात पर पूरा उतरना कीप हिज वर्ड्स, तो यहाँ पर पूरा उतरा पास्ट की बात है, हम यहाँ पर कीप की सेकेंड फॉर्म कैप्ट लगाएंगे। सेकेंड है इस दवाई से तुम्हारा नशा उतर जाएगा, इस दवाई से तुम्हारा नशा उतर जाएगा यू विल गेट सोबर। You will get sober. नशा उतरना get sober. जूता पांव से उतरना come off. Put off भी हो सकता है लेकिन वो उतारने में आ जाता है, ये come off उतर गया, जो खुद से उतर गया तो come off. मुझे हेड मराला उतार देना, उतार लेना drop me. फल उतारना अच्छी बात है मगर फूल उतारना नहीं। फल उतारना, फल उतारने की क्या है पिकिंग। पिकिंग फ्रूट्स कैन बी एडवाइजेबल बट नॉट प्लकिंग। फ्लॉर्स के लिए क्या होगा प्लकिंग। इसकी हर बात मेरे दिल पर उतर जाती है। अब यहां पर देखें सिर्फ हमने सेंस देखनी है तो सेंस क्या है, ये नहीं कि इसकी हर बात हिज एवरी वर्ड हैज कम डाउन ऑन माय हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज एन आफुल कन्विंसिंग पावर। लास्ट कल्सूम का बुखार उतर गया है, कल्सूम फीवर हैज गॉन डाउन, उतर गया है मतलब के चला गया है गॉन डाउन। फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था जो कि हमारी उर्दू लैंग्वेज को लेकर ही, कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा रूटीन में इस्तेमाल होती हैं बट उनके इंग्लिश में वर्ड्स मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो इसे आपकी बहुत हद तक हेल्प हुई होगी सेल्फ राइटिंग में। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो बात उर्दू में कही जाती है ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में सेम टू सेम उसी वर्ड को लेके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, अगर हमें उसका उस वक्त ऑन द स्पॉट अगर मीनिंग नहीं आ रहा तो हम किसी और सेंस में ले जाकर भी इस बात को या कोई और वर्ड इस्तेमाल करते हुए सेंस वही रखकर तो अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीखने को बहुत कुछ मिला आपको आज, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।